अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक। हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था अपना न्यू टॉपिक ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स चार थी, प्रोफेशन, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड लास्ट में मार्केटिंग था। प्रोफेशन फर्स्ट ब्रांच ऑफ कॉमर्स को हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे एग्जाम्पल्स के साथ। मैंने कहा था आपको असाइनमेंट दूंगी, उसमें आपको अपने पास से प्रोफेशन की एग्जाम्पल्स जो है वो शामिल करनी होंगी। अब मूव करते हैं हम दूसरे ब्रांच की तरफ, जो इसका नाम है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से उर्दू में सनत कहा जाता है। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, इस तरफ जाने से पहले हम आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं इसको। मैंने आपको बिज़नेस भी अपने आसान अल्फाज में समझाया था, उसके बाद हम गए थे अपने एक्सपर्ट्स की तरफ से। सेम ऐसे ही मैंने प्रोफेशन भी आपको आसान वर्डिंग में पहले समझा चुकी थी, उसके बाद हमने अपनी डिक्शनरीज के हिसाब से बात की थी। ऐसे ही इंडस्ट्री को भी आसान वर्डिंग में पहले समझेंगे हम, उसके बाद हम इसकी प्रोफेशनल डेफिनेशन की तरफ जो है वो मूव करेंगे। इंडस्ट्री क्या होती है, वो जगह, वो प्लेस जहाँ पर क्रिएशन हो रही होती है गुड्स और सर्विसेज की, यानी वो जगह जहाँ पर पैदावार हो रही है, जहाँ पर बनाई जा रही हैं खिदमात और अशिया। अशिया यानी गुड्स। गुड्स क्या होती हैं, वो चीज़ें जो आपको दिखाई देती हैं, जिनको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो गुड्स कहलाती हैं। और वो चीज़ें जो आपको दिखाई नहीं देती, जिन्हें आप छू नहीं सकते, जिन्हें आप देख नहीं सकते, वो सर्विसेज कहलाती हैं। तो कारोबार दोनों चीज़ों का होता है, गुड्स का भी और सर्विसेज का भी। दोनों चीज़ों को, गुड्स को, सर्विसेज को प्रोवाइड करके आप पैसे कमा रहे होते हैं। ठीक है जी, तो अब मूव करते हैं अपनी इंडस्ट्री के टॉपिक के ऊपर। वो प्लेस जहाँ पर चीज़ें बन रही हैं, खिदमात बन रही हैं, वो प्लेस आपकी इंडस्ट्री कहला रही है। अब आ गए हम डेफिनेशंस पर। यहाँ मैंने कुछ वर्डिंग फॉर्म में लिखी हुई है डेफिनेशन। इट इज़ एनी सिस्टमेटिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिस्टमेटिक बोलते हैं मुनज़्ज़िम को, मुनज़्ज़िम तरीके से कुछ सरगर्मियाँ, मआशी सरगर्मियाँ जो परफॉर्म हो रही होती हैं वो आपकी इंडस्ट्री कहलाती हैं। ठीक है जी, इट इज़ एनी सिस्टमेटिक इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पर मआशी सरगर्मियाँ जो है वो परफॉर्म हो रही हैं वो आपकी इंडस्ट्री है। दूसरा लिखा हुआ है इंडस्ट्री इज़ एनी ब्रांच ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेड। इंडस्ट्री क्या है, ऐसी किस्म जहाँ पर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, किसको, चीज़ों को और खिदमात को, तो वो आपकी इंडस्ट्री कहलाएगी। ऑल दोज बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो बात मैंने आपसे स्टार्ट में कही वो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। क्रिएशन मतलब चीज़ों को बनाना, खिदमात को बनाना। जिस जगह चीज़ें और खिदमात बन रही हैं वो जगह आपकी इंडस्ट्री कहला रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इंडस्ट्री क्लियर हो गया होगा। मुनज़्ज़िम तरीके से सरगर्मियों को अंजाम दे रहे होते हैं, क्रिएशन कर रहे होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, चीज़ों को बना रहे होते हैं या ट्रेड, खरीद और बेच रहे होते हैं, तो ये आपकी इंडस्ट्री कहलाती है। अब मूव करते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री पर। इंडस्ट्री कितनी किस्में हैं, तो इंडस्ट्री की दो तरह से डिवाइड किया गया है टाइप्स को, इकसाम को, बाय साइज, साइज के लिहाज से इंडस्ट्री, और बाय प्रोडक्शन, चीज़ें किस तरह प्रोड्यूस हुई, किस तरह पैदावार हुई चीज़ों की, उस लिहाज से आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं। तो पहले मूव करते हैं बाय साइज, वजन के लिहाज से इंडस्ट्रीज, साइज के लिहाज से इंडस्ट्रीज, साइज के लिहाज से। ठीक है, तो साइज के लिहाज से दो तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं। पहला लिखा हुआ है मैंने हैवी इंडस्ट्री, नाम से ही जाहिर है भारी सनत, भारी इंडस्ट्री। ये क्या करती है, प्रोड्यूस, पैदावार करती है, बनाती है हैवी गुड्स, वजनी चीज़ें, जो वजन में होती हैं चीज़ें, जो हैवी गुड्स होती हैं, उन चीज़ों की पैदावार हो रही होती है आपकी हैवी इंडस्ट्री में। एंड मशीनरी, मशीनरी वगैरह जो हैवी पार्ट्स होते हैं वो भी आपकी इस इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। फिर लिखा हुआ है प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होती हैं, वो चीज़ें जो इंडस्ट्री में ही प्रोड्यूस हो, इंडस्ट्री में ही यूज़ हो जाएं, आम कंज्यूमर के पास ना जाएं, तो वो गुड्स आपकी इंडस्ट्रियल गुड्स कहलाती हैं। इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हुई, वहीं पर ही इस्तेमाल होंगी चीज़ों को प्रोड्यूस करने में, तो वो गुड्स आपकी इंडस्ट्रियल गुड्स हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल दी हुई आपकी हैवी इंडस्ट्री की क्या क्या है, स्टील, स्टील की इंडस्ट्री आपकी हैवी इंडस्ट्री में आती है, शिपिंग की इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री में आती है, कोल माइनिंग इंडस्ट्री भी आपकी हैवी इंडस्ट्री में काउंट होती है। दोबारा सुन लीजिए, वो इंडस्ट्री जो भारी चीज़ें हैवी गुड्स बनाती है, जिसे वही इंडस्ट्री में बनाया और इंडस्ट्री में यूज़ कर लिया, वो आपकी हैवी इंडस्ट्री करा रही है। दूसरी एग्जाम्पल दी हुई लाइट इंडस्ट्री, नाम से ही जाहिर है हल्की इंडस्ट्री, हल्की सनत, यानी ये इंडस्ट्री वो चीज़ें प्रोड्यूस करेगी, प्रोड्यूस लाइट गुड्स विच आर मोस्टली कंज्यूमर गुड्स, यानी जो चीज़ें कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा होता है। कंज्यूमर कौन होता है, वो शख्स जो आपकी चीज़ को इस्तेमाल करेगा, कंज्यूम करेगा, वो कंज्यूमर कहलाता है। ठीक है जी, तो लाइट इंडस्ट्री पैदावार करती है, प्रोड्यूस करती है,
कल की गुड्स की, और उन गुड्स को इस्तेमाल कौन कर रहा होता है? कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा होता है। अब हल्की गुड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इलेक्ट्रॉनिक, ग्लासवेयर और पेपर, ये तीनों एग्जांपल लिखी हुई है मैंने लाइट इंडस्ट्री की, हल्की इंडस्ट्री की। ये वो गुड्स बनाती हैं जो कंज्यूमर इस्तेमाल करेगा। तो ये बात हो गई आपकी साइज के लिहाज से इंडस्ट्री। अब मूव करते हैं अपनी बाय प्रोडक्शन यानी पैदावार के लिहाज से इंडस्ट्री। चीज़ें किस तरह प्रोड्यूस हुई, अभी तक हमने बात की थी हल्की और भारी चीज़ों के लिहाज से इंडस्ट्री। हल्की इंडस्ट्री है, हल्की चीज़ें बन रही हैं तो हल्की लाइट इंडस्ट्री हो गई, भारी गुड्स बन रही है तो हैवी इंडस्ट्री हो गई। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि चीज़ें प्रोड्यूस कैसे हुई, इंडस्ट्री ने चीज़ को प्रोड्यूस किस तरह किया। तो बाय प्रोडक्शन चार तरह की इंडस्ट्री होती है, एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री और फैब्रिकेटिंग इंडस्ट्री। अब वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री। अगर कोई इंडस्ट्री मसरूफ़ है, मशगूल है चीज़ों को बनाने में, लेकिन वो एक्सट्रैक्ट कर रही है अंडरग्राउंड एरिया से, ज़मीन से चीज़ों को निकालने में मसरूफ़ है, तो ऐसी इंडस्ट्री एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री कहलाती है। लिखा अभी मैंने वहाँ पर, एक्सट्रैक्टिव चीज़ों को प्रोड्यूस करती है, एक्सट्रैक्ट करती है फ्रॉम अंडरग्राउंड एरिया, ज़मीन से चीज़ों को निकाल रही होती है। ठीक है जी, एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड, सोना, कोल, कोयला, ऑयल, तेल, ये तमाम वो गुड्स हैं जो ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं और अपनी एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री के ज़रिए इन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके ज़मीन से बाहर निकाल रहे होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर होगी होगी वाली टाइप्स। दूसरे पर मूव करते हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्री होती है जो क्या करती है, आप प्रोडक्ट चीज़ को बनाती है, इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स पार्ट्स, यानी एक चीज़ प्रेजेंट होती है इस इंडस्ट्री के पास, उसको तोड़कर ये नई नई चीज़ें प्रोड्यूस कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल इस इंडस्ट्री के पास मौजूद है, उस पर वर्क करती है, उससे बनाती है डीजल, उस पर वर्क करती है, उससे बनता है पेट्रोल, मज़ीद उसको तोड़ा तो कैरोसिन ऑयल, मज़ीद ब्रेक डाउन किया तो गैसोलीन, और डिफरेंट टाइप्स के आपके ऑयल बन रहे होते हैं। तो वो इंडस्ट्री जो एक प्रोडक्ट को तोड़कर नई नई चीज़ें प्रोड्यूस कर रही होती है, उस इंडस्ट्री को आप बोलते हो एनालिटिकल इंडस्ट्री। ठीक है जी, नेक्स्ट वाली इंडस्ट्री हमारी आ गई साइंथेटिक इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्री होती है जो टू और मोर पार्ट्स एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, यानी दो या उससे ज़्यादा चीज़ों को कंबाइन कर एक नई चीज़ बना रही होती है। एग्जाम्पल दी हुई है मैंने यहाँ पर, सीमेंट आपके पास है, सीमेंट किस तरह बनता है? प्लास्टिक, उसमें फिर शामिल होता है कॉन्क्रीट, जिप्सम, फिर शामिल होता है कोल, तो एक नई प्रोडक्ट बनती है आपके पास सीमेंट की। ठीक है जी, तो चीज़ें कंबाइन हुई और सीमेंट बन गई। एक एग्जाम्पल और मेरे माइंड में भी यहाँ पर है, कॉटन होती है, कॉटन से बनता है यार्न, धागा, और फिर धागे से क्या बन रहा होता है? क्लोथ्स, कपड़ा बन रहा होता है। बहुत सारा धागा आपने कंबाइन किया, उससे फिर कपड़ा तैयार हो जाता है। तो ये भी कौन सी इंडस्ट्री है? साइंथेटिक इंडस्ट्री है। फ्रेग्रेंस की इंडस्ट्री, जहाँ पर जो है परफ्यूम्स वगैरह बन रहे होते हैं, डिफरेंट केमिकल्स जो है वो आप शामिल करते हो, कंबाइन करते हो, और एक नई प्रोडक्ट, नई फ्रेग्रेंस जो है आपको मिल जाती है, तो वो इंडस्ट्री भी आपकी साइंथेटिक इंडस्ट्री में आती है। ठीक है जी, चीज़ों को मिलाया, कंबाइन किया और नई चीज़ प्रोड्यूस कर ली। लास्ट वाली इंडस्ट्री आ गई फैब्रिकेटिंग इंडस्ट्री। फैब्रिकेटिंग इंडस्ट्री इसमें जो है डिफरेंट जो है प्रोसेस हो रहे होते हैं, कौन कौन से? कटिंग, वेइंग, ट्रीटिंग, प्रेसिंग, फिनिशिंग एंड डाइंग प्रोसेस। अब फौरन माइंड में आएगा ये काम कहाँ कहाँ होता है, कटिंग का, डाइंग का, वेइंग का, ढेर सी बातें, ये सारे काम कहाँ पर होते होंगे? टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में, जहाँ पर कपड़ा बन रहा होता है वहाँ पर कपड़े की कटिंग भी होती है, वेइंग भी होती है, कपड़ा डाइंग भी होता है, प्रेसिंग भी हो रहा होता है, तो वो इंडस्ट्री जहाँ पर ये तमाम काम हो रहे हैं आपकी, वो इंडस्ट्री फैब्रिकेटिंग इंडस्ट्री कहलाती है। ये काम आपका दो जगहों पर हो रहा है, एक तो स्टील की इंडस्ट्री और दूसरा टेक्सटाइल की इंडस्ट्री। ठीक है जी, क्लास ओवरव्यू लेते हैं इसका इंडस्ट्री बाय प्रोडक्शन के लिहाज से। अगर कोई इंडस्ट्री ज़मीन के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर चीज़ों को निकाल रही है तो एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री कहला रही है। अगर कोई इंडस्ट्री चीज़ों को तो एक चीज़ को तोड़कर नई नई चीज़ें बना रही है तो एनालिटिकल इंडस्ट्री कहला रही है। अगर कोई इंडस्ट्री चीज़ों को कंबाइन करके नई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है तो साइंथेटिक इंडस्ट्री कहला रही है। और अगर कोई इंडस्ट्री कटिंग, वेइंग, डाइंग पूरे प्रोसेस से गुजर रही है तो वो इंडस्ट्री आपकी फैब्रिकेटिंग इंडस्ट्री कहलाती है। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दी हुई है, फिर से कहूँगी, असाइनमेंट दूंगी आपको तो आप उसमें ये एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, बल्कि नेट से सर्च कर आप नई एग्जाम्पल जो आपके पास प्रेजेंट होंगी उनको आप लिखेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक रखते हैं टॉपिक को। अभी दो ब्रांचेस बाकी हैं हमारी, ट्रेड और प्रोफेशनल, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, और जो है वो न्यू टॉपिक के साथ ट्रेड पढ़ाऊंगी मैं आपको, ट्रेड क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, फिर से हाजिर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
Thank you.